किस औरत के साथ संबंध था? उनका भाभी थी, उनकी अपनी बड़ी भाभी, बड़ी भाभी थी। अच्छा, अपने भाभी के साथ? हाँ, भाभी के ही साथ था। आपके बच्चे भी हैं? एक बच्ची है मेरी। एक बच्ची है जी। वो कब छोड़े आपको? वो हम लोग से तो आज साल भर पहले मतलब बात होना बंद हुआ है, नहीं तो बोलते हैं ना थाने उन्हें बोलेंगे कि हम 5 साल हो गया शादी किए हुए, 6 साल हो गया शादी किए हुए, और बात तो हम साल 1.5 साल से हमारी फैमिली पूरी बंद की है बात करना। नहीं तो कर दोस्तों, देखिए अभी हम लोग गोरखपुर यूपी में हैं और हमारे साथ एक पीड़िता महिला मौजूद है, और यह कहानी जो है, यह परेशानी जो है कहीं न कहीं हर घर की आजकल है। कहीं न कहीं शादीशुदा हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद जो है कोई पति को छोड़ देते हैं तो कोई पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चे रहने के बावजूद भी वो दूसरा शादी कर लेते हैं, पहले बच्चे पहले पत्नी को छोड़ देते हैं, इसी तरह का कुछ मामला है। आइए हमारे साथ जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन की पूरी टीम, सरिता राज भी हैं, और इनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी है और क्या वजह था कि उन्होंने दूसरा शादी किया और बच्चों को छोड़ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतू यादव। कहाँ घर? मत बताने। जिला? गोरखपुर। कब शादी हुई थी आपका? सन 2010 में। 2010 में जी। कब तक अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज? अरेंज मैरिज था। कब तक शादी अच्छा मतलब आपका चला? 6 साल अच्छा था। 5-6 साल। उसके बाद वो बाहर रहने लगे। हाँ। बाहर मतलब शुरू से रहते थे मुंबई में, लेकिन आना जाना होता ही था, तो वो उनका संबंध किसी औरत से था, तो उसके बाद से मैं मतलब और औरत से आपको पता था कंफर्म? हाँ कंफर्म पता था। तो मतलब जब आप साथ रह रहे थे तभी से ही? हाँ शुरू से ही था, तभी तो मैं देखी इसीलिए। उसके बाद से जब मैं जब बोलने कहने लगी तो मुझे टॉर्चर करने लगे। आपने देखा भी किस औरत के साथ संबंध था? उनका भाभी थी, उनकी अपनी बड़ी भाभी, बड़ी भाभी थी। अच्छा, अपने भाभी के साथ? हाँ भाभी के ही साथ था। आपके बच्चे भी हैं? एक बच्ची है मेरी। एक बच्ची है जी। वो कब छोड़े आपको? वो हम लोग से तो आज साल भर पहले मतलब बात होना बंद हुआ है, नहीं तो बोलते हैं ना थाने उन्हें बोलेंगे कि हम 5 साल हो गया शादी किए हुए, 6 साल हो गया शादी किए हुए, और बात तो हम साल 1.5 साल से हमारी फैमिली पूरी बंद की है बात करना। नहीं तो बात तो सबसे होती है, हम रिकॉर्डिंग भी सुना दें कि अभी तक बात होती है। पति को छोड़ के सबसे बात आपकी होती है? नहीं नहीं, किससे? पति से बात होती थी पूरी फैमिली की। अच्छा, आपका? हाँ, मेरे यहाँ से मायके से पूरी फैमिली की बात होती थी। क्या वजह हुआ कि आप लोग अलग हो गए? बस यही वो भाभी के चक्कर से अफेयर था उनका, तो हम लोग लड़ते झगड़ते हम नहीं आएंगे, आप हमको साथ वहाँ ले चलिए तो चलेंगे मुंबई में, हम गांव में नहीं जाएंगे, उसके पास, उसके पास जाएंगे तो आप भी रोज आएंगे जाएंगे तो यही रहेगा, हम आप साथ रहेंगे, तो बोले हम साथ नहीं ले जाएंगे, भले तुम छोड़ छोड़ देंगे। वो करते हैं, वो क्या बोलते हैं, AC का उनका फैक्ट्री है। फैक्ट्री है कहाँ? मुंबई में। अच्छा, वहीं काम करते हैं? वहीं रहते हैं। वहीं पूरी फैमिली। अच्छा, आप यहाँ रहते थे? हाँ, हमको यहीं रहते थे। और आपकी भाभी जो थी वो भी वहीं रहती? यहीं रहती है, यहाँ यहीं है। अच्छा, उसके बाद आप उनको छोड़ के रहने लगे? हाँ, मैं के रहने लगे, यही बीमार पड़ती थी। कब से? अरे 6 साल शादी के 6-7 साल बाद। 6 साल बाद? 6 साल बाद। कितना दिन से मायके रह रहे हैं? मायके हो गया 7-8 साल रहते हो गए, तो मायके ही रहिएगा सब दिन? तो क्या करें जब हमको ना घर मिल रहा है ना परिवार मिल रहा है तो कैसे रहेंगे? घर से वो आपको निकाल दिए थे? हाँ, वो घर से निकाले, मार झगड़ा हुआ, लड़ाई मार हुआ, रात में बहुत मारपीट हुआ, तो मतलब लगा कि वे जान, हस्बैंड ने किया था और ये जेठानी जो थी वो की। अच्छा, थी तो ये लगा। हाँ, तो ये उस समय कोई भी घर भी नहीं था, तो उसके बाद से क्या हुआ? भाभी आप बोल रहे हैं तो उनके भी तो पति होंगे? तो वो भी नहीं थे ना, वो भी दिल्ली मुंबई तब कमाते थे, वो ये बात को जाने, तो उनका क्या कहना था? अब क्या मैं बोलूं, वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, नहीं वो मुझे ही ब्लेम करते थे कि हाँ। तुम यही गलत आई है, यही गलत कह रही है, ऐसे ही करते थे। मतलब वो जान के भी अनजान बन? हाँ, अनजान बनते थे कि तुम ही गलत कह रही हो। उसके बाद आप लोगों के बीच में एक दिन मारपीट हुआ? हाँ, मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, तो उसी रात मैं फोन की मायके कि मुझे ऐसे ऐसे बात है, ऐसे शक लग रहा है, तो लोग हमको बुलवा लिए। वहाँ से आप मायके चले आए? उसके बाद फिर से मतलब वहाँ जाने का कोशिश किए या फिर बात करने की कोशिश किए? वो लेने आए आपको? मैं फोन से भी का उम्र कितना था जिस समय आप ससुराल से मायके आई थी? 6 साल। 6 साल की आपकी बेटी थी? अभी अभी हो गई है 13-14 साल की बच्ची, 13 साल की हो गई। उनका कोई रिस्पांस नहीं है मेंटेनेंस वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं है ना कुछ देंगे, ऐसे ही बस बातों में भ्रमित करते हैं। वो मेरे भाई का घर है तो ये ऐसे रहते हैं, हम कमाते नहीं, हम सड़क पे रहते हैं, जबकि उनकी भाभी की 3 बच्चियां हैं, तीनों को लेके वही पढ़ाते हैं। और उसके बाद एक मतलब पता नहीं वो दूसरे जगह से जो औरत आई है, सुनते हैं कि उसकी वो बच्ची लेके आई हुई है, वो भी एक बच्ची है, उसको भी मतलब वो रख के 4 बच्चों का शादी दूसरा किए हैं, वो शादीशुदा महिला से किए हैं? अच्छा,
अब उसी के साथ वो रहेंगे? हाँ, अब वो रह ही रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं मंगा लेंगे। शादी किए हैं लीगली? हाँ, नहीं किए नहीं है, वो जो जमीन है ना, तो जमीन पे वो रजिस्ट्रेशन दिए हैं कि ये इसको मैं पत्नी स्वीकार करते, मैं पत्नी मानते हुए मैं इनको दान दे रही हूँ, ये पूजा पाठ अपनी जायदाद चल अचल संपत्ति। उनका जो पहला बच्चा है और पहली पत्नी है वो कहाँ गई? अब पता नहीं, अब हम किससे पूछने जाएं? हा? यही तो बात है, हम किससे पूछने जाएं कि हम कहाँ गए? प्रशासन से पूछिए तो उसका कोर्ट न्यायालय करेगी, कोर्ट से हम जीवन भर लड़ से क्यों? आप अपने ससुर से, आप अपने पति से पूछिए, तो उनसे भी तो पूछें, तो वो क्या बोलते हैं कि हम रखेंगे तो ये नहीं देंगे, वो मेरे घर नहीं है, हम टीने में बनवा के रहते थे, ऐसे ही तो बोलते हैं, तो फिर मैं कहाँ रहूँ? उनको बच्चे से प्रेम नहीं है? नहीं, किसी से नहीं है, हम दोनों लोगों से नहीं, अगर हम लोगों से होता तो फिर इतना बात ही नहीं। आप कभी कोशिश किए वहाँ जाने का, वहाँ रहने के लिए? बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, दसों बार हुआ होगा कि आप ले जाइए, करिए, मेरे पिताजी वहाँ गए। ले जाइए, आप वहाँ गए थे कभी रहने के लिए? नहीं, मैं नहीं आया लेने के लिए, तो आप भी नहीं गए? नहीं, मैं भी नहीं। आप भी अपना रहने लगे, अब तो और परेशानी बढ़ गया। वही बात है, अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या, हमारा मतलब जो अधिकार होता है हमको मिलने, हमें घर मिले, जमीन जायदाद मिले, हम अपना अलग लेके रहेंगे, और क्या चाहिए? पहली पत्नी का जो अधिकार होता है वो आपको हमको चाहिए, हाँ। पति से आपको कोई मतलब नहीं? हम पति से क्या मतलब रखना? क्या मैडम इस तरह की चीजें जो है? देखिए अभी तो ये इसलिए अपने पति के बोल रही है कि पति से क्या मतलब। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत समय से प्रयास कर रही है कि इनका पति इनके पास आ जाए, लेकिन इनको पता चल चुका है कि वो शरीर से ही नहीं, धन से भी वो दूसरे औरत के नाम अपना पूरा प्रॉपर्टी कर चुका है। तो ऐसे में आज ही रुष्ट होके बोल रही है कि ऐसे पति से क्या मतलब। लेकिन इनकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके भी भविष्य को देखना है। तो देखिए हमारे पास जब ये आवेदन डाली है कि मैडम मुझे मदद करिए, क्योंकि न मैं प्रशासन के पास जाती हूँ तो ना मुझे प्रशासन से मदद मिल रहा है, मामला न्यायालय में आपका क्या ये कोर्ट क्या तलाक को लेकर है, क्या है आपका? नहीं, तलाक के नहीं, मेंटेनेंस का है। अच्छा, मेंटेनेंस का है। कितना समय पहले आप कोर्ट में मेंटेनेंस का आप आवेदन डाली है? 2 साल। 2 साल हो गया अभी, अभी तक 2 साल में आपको मेंटेनेंस नहीं मिला है? नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं को न कोर्ट में इंसाफ मिल रहा है, न थाना से कोई सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे में अगर इन लोगों को कहीं से पता चल रहा है कि कोई साल से मैडम ये अपने बच्चे को लेके अलग रह रही हैं और कोर्ट में केस भी किए हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, 2 साल से ये खाती होंगी कि भूखी रहती होंगी? अब देखिए अगर मायके के परिवार अगर वो सक्षम ना हो तो इस तरह की महिलाएं जाएंगी कहाँ? आज ये बहुत सोचने वाली बात हो गई है कि मर्द जो है वो घर के 4 दीवारी में बैठकर कोर्ट कानून करे और औरत जो है सो रोड पर खड़ा होकर कोर्ट कानून करे। न्यायालय भी पता नहीं क्यों इतना देर करते हैं महिलाओं को इंसाफ देने में। आज न्यायालय के भी मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के जो पक्ष में जो इंसाफ का जो भी इस तरह का जो आता है कि मतलब महिला को मेंटेनेंस देना चाहिए, महिला को अधिकार देना चाहिए, तो ये सब है कहाँ? ये योगी बाबा का राज है और यहाँ राम राज चलता है, यहाँ ही नहीं पूरे देश में, कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा चलता है। और कहीं ना कहीं एक पुरुष जो है अपने बच्चे पत्नी को छोड़ के दूसरा शादी कर लिया है, ये कौन सा राम राज? देखिए ये राम राज नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार है। जब महिलाएं आपके घर की बहू बेटियां घर के अंदर में ना रहकर रोड पर आ जाएं तो इसको भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं, इसको राम राज नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी जी को इस मामले में हम दोषी बनाएं कि समाज के मानसिकता को दोषी बनाएं कि प्रशासन के सोच को दोषी बनाएं? आज ये महिला मेरे साथ थाना गई और बोली कि सरबज मुझे घर में रखवा दीजिए, धीरे धीरे घर में रहते हुए हो सकता है कि हमारे पति भी वापस आ सकते हैं, और अगर ठीक है वो दूसरा शादी भी कर लिए हो तो मुझे भी रहने की व्यवस्था दी जाए। तो थाना सीधे मेरे सामने इनको जवाब दिए कि मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपका मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जब आदेश आपके लिए आएगा तब हम लोग कुछ करेंगे। और फिर जब ये बोली कि तब मैं कहाँ जाऊँ तो थाना बोलते हैं मुझे नहीं पता। बहुत सारे मामला देखते होंगे आप, देखे होंगे 5 साल 6 साल 10 साल से कोर्ट में चल रहा है, कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और ऐसे जिंदगी कट जाता है, ना तो सामने वाला कुछ करता है ना। देखिए ऐसे मामले तो हमारे पास बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जब तक आप भीख मांगते रहिएगा मुझे दे दो दे दो दे दो, कोई देने वाला नहीं है। जिस दिन आप छीनना सीख जाइएगा अपने अधिकार को, उसी दिन आपको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास भी महिलाएं आती हैं
जो बहादुर टाइप की महिलाएं होती हैं, जो अपने अधिकार को लेने की शक्ति रखती हैं, उन महिलाओं को मैं थाना के पास ये भी नहीं जाके बोलती हूँ कि सर चलिए मदद करिए और इनको रखवा दीजिए। मैं तो बोलती हूँ तुम शेरनी हो ना, चलो मैं तुम्हें रखवाती हूँ, जो अपने घर में रहो, तो वो रह भी लेती हैं। लेकिन ये एक सीधी साधी महिला हैं, इनके अंदर उतना वर्चस्व नहीं है, उतना बल नहीं है, जेंटिल महिला हैं। और ऐसी महिला जब मांगते चलती है तो न कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है, न थाना से मिल रहा है, न समाज से मिल रहा है। आज मुखिया सरपंच जी भी क्या बहाना मार देते हैं कि इलेक्शन है और चुनाव है, उसके तैयारी में मैं हूँ, मैं नहीं मिल सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। यानी कि समाज की बहू बेटियों के प्रतिष्ठा से ज़्यादा आज चुनाव और इलेक्शन उसकी मुद्दा ज़्यादा माने रखता है, और बहू बेटियाँ ऐसे ही रोड पर तमाशा करते नहीं लग रहा है मैडम। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ते जा रहा है फैमिली विवाद इस तरह का, पति पत्नी का जो होता है, बच्चा होने के बाद पत्नी को छोड़ देता है, पति कहीं और पत्नी कहीं और, ये नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा गलत होते जा रहा है? आज के एक दो साल से, तकरीबन आज एक दो साल से सबसे ज़्यादा मुद्दा आ रहा है कि एक पत्नी को रहते हुए पुरुष दूसरा शादी कर ले रहे हैं, और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, और कानून जो है, जो मतलब कोर्ट हमारे जो संविधान है, वो भी बेटियों को इंसाफ देने में इतना विलम्ब कर देते हैं, इतना विलम्ब कर देते हैं कि हमको लगता है कि बहुत सारी महिलाएं तो इसी तरह से दम तोड़ देती हैं, भीख मांगती हैं, रोड पर बच्चे क्या अनाथालय में चले जाते हैं, और बस अंधा कानून जो कहा जाता है। कहीं ना कहीं आज के डेट में, आज के समय में देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं के लिए काफ़ी व्यवस्था हो रही है, महिलाओं के लिए काफ़ी मतलब कहा जाता है आरक्षण मिलता है, कई चीज़ें मतलब उनके सुविधा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देखिए ये क्या पढ़ेगी और क्या बचेगी ये बेटी, जिसको रहने के लिए एक घर भी नहीं है, जब इसकी माँ ही रोड पर है तो इस बच्ची को कहाँ घर है। तो सबसे बड़ी बात है कि पता ना सरकार कानून क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मासूम औरतें इस तरह से अपने जीवन अपने इंसाफ के लिए अब संस्था को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी संस्था मिले, कोई ऐसी महिला मिले, कोई ऐसी संगठन मिले जो हमारे पक्ष में खड़ा होके कोर्ट कानून से हमें मदद दिलाया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लोग भी कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन के पास पहुँचते हैं और जहाँ के प्रशासन एक्टिव हैं, जो इंसानियत रखते हैं, अगर वो हमें मदद कर देते हैं तो निश्चित सी बात है कि मैं बहू बेटियों को बसा देती हूँ। लेकिन जहाँ के प्रशासन एक मतलब एक शब्द में वो बोल देते हैं आपका मामला कोर्ट में है, आपको ससुराल कैसे रखवाएंगे, आप अगर ससुराल में जाके कुछ कर लेंगे तो इसका कौन जवाबदेही लेगा। आज एक लाइन जो आया है सब यही बोल रहा है, तो ससुराल से सारे बहुओं को घर से निकाल दो भाई। थाना गए, कोर्ट गए, क्या वहाँ से क्या कुछ निर्णय तो आया होगा, कुछ तो बात बनी होगी दोस्तों। थाने पे क्या हुआ और कोर्ट में क्या हुआ? थाने पे कुछ नहीं हुआ, थाने पे बस ऐसी ही बात हो गई कि वो दूर है तो दूर से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, दूर से गिरफ्तारी नहीं हुआ नहीं, घर पे नोटिस भेजिए वहाँ से तो नहीं, तो यही बात हुआ, थाने वाले यही बोले कि दूर से गिरफ्तारी नहीं होगी, तो वो मुंबई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, 7 साल के अंदर की बातें, पुलिस को इन्फॉर्म करे यहाँ से उनको नोटिस भेजे, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बस उसको वो पता नहीं है पैसा दे के कैसे बातों को दबा देता है, बात हमेशा दब जाती है कभी। कोर्ट में क्या बात हुई? कोर्ट में अभी वो हाजिर नहीं हुआ, हाजिर नहीं हुआ नहीं, लेकिन उसका अरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। अब बताइए किसी को नोटिस भेजा जा रहा है, अगर एक बार दो बार ठीक है मान सकते हैं, नहीं आ रहा है बार बार नोटिस भेजने के बाद, तो उसको छोड़ दिया जा रहा है, अरेस्टिंग वारंट ही निकल रहा है। देखिए है ना, तो वही लोग होंगे जो नोटिस को क्या क्या करते हैं, अब वही लोग बताएंगे ना, यही ऐसे ही झेलना है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए हमारी पूरी प्रयास रहेगी, एक मतलब ये SDM ऑफिस जाएंगी, वहाँ जाकर आवेदन देंगी, क्योंकि ज़मीन का मामला है। अब पति वापस आएगा कि नहीं आएगा वो तो न्यायालय का काम है, जो मामला न्यायालय में चल गया है उसमें तो हम हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन रह गई बात ज़मीन की विवाद अभी न्यायालय में नहीं गया है, इसलिए एक अपने तरफ से SDM ऑफिस में जाकर आवेदन देंगी और वहाँ भी अपना गुहार करेंगी कि इनको बच्ची का अधिकार दिलाया जाए। यदि वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होता है तो फिर हम लोग आएंगे और देखेंगे कि हम लोग किस स्तर से इनका मदद कर सकते हैं। बाकी बात देखिए, इस तरह की फैमिली हिंसा, इस तरह की परेशानी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हम यही कहेंगे कि जो भी परिवार हैं, जो भी पति पत्नी हैं, थोड़ा सूझबूझ से डिसीजन लें और हड़बड़ में गुस्से में कोई आगे कदम ना लें, जिससे कि परेशानी और ज़िंदगी आपका बर्बाद हो जाए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देखें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें सब्सक्राइब कीजिए।